सवालों के घेरे में भाजपा के तीन सांसदों की जीत, बदल जाएगा तीनों सीटों का वोटों वाला गणित, एक तरफ भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री की सीट की जांच, तो एक सीट पर केंद्रीय मंत्री की जीत पर आंच, तीसरी सीट पर भी हो गया भाजपा के साथ खेल, अब ईवीएम के वोटों का फिर से किया जाएगा मेल। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। देश में इस बार पूर्ण बहुमत ना मिल पाने के कारण एनडीए के घटक दलों का सहारा लेकर भाजपा ने एनडीए की सरकार बनाई है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ली है। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से प्रदर्शन किया है उसकी चर्चा चारों ओर है। अब लोकसभा के चुनाव तो हो गए और भाजपा ने 241 सांसदों को जितवा भी लिया, लेकिन अब भाजपा के तीन ऐसे दिग्गज सांसद हैं जिनकी सीटों पर सवाल खड़े हो गए। भाजपा की तीन सीटों में दो सीटें तो वीवीआईपी हैं और दोनों संसदीय सीटों के सांसद एनडीए सरकार में इस वक्त केंद्रीय मंत्री भी हैं। खास बात यह है कि एक सीट तो ऐसी है जिसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। भाजपा की जीती हुई ये तीनों सीटें जांच के दायरे में आ गई हैं। अब सवाल ये है कि चुनाव आयोग इन सीटों पर क्या फैसला लेता है? क्या ये तीनों सीटें भाजपा के हाथ से जाने वाली हैं? क्या ये तीनों ही सीटें विपक्ष की झोली में डलने वाली हैं या फिर भाजपा फिर से तीनों सीटों पर जांच के बाद अपना बहुमत साबित कर देगी? ये बड़े सवाल हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है और ये भी समझाते हैं कि वो कौन सी तीन सीटें हैं और उन सीटों पर आखिर कैसे सियासी समीकरण भाजपा के खिलाफ पैदा हो गए। दरअसल जिन तीन सीटों की हम बात कर रहे हैं उनमें से दो लोकसभा सीटें हरियाणा की हैं, एक सीट करनाल की है तो दूसरी सीट फरीदाबाद है और जो तीसरी सीट है वो है छत्तीसगढ़ की कांकेर लोकसभा सीट। अब आपको बताते हैं कि ये तीनों सीटें अब क्यों चर्चा में लोकसभा चुनावों के बाद दोबारा आ गई है। दरअसल हरियाणा की दो लोकसभा और छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा ईवीएम की जांच का फैसला लिया है। चुनाव आयोग के आदेश पर करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीटों पर ईवीएम की जांच करवाई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर और कांग्रेस से महेंद्र प्रताप ने चुनाव लड़ा था। दोनों कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच की मांग उठाई थी। करनाल से दिव्यांशु बुद्धि राजा और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप ने चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवारों की मांग पर ईवीएम चेक करवाई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट पर 4 ईवीएम की चेकिंग होगी तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर 2 ईवीएम चेक करवाई जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव आयोग ने ईवीएम चेक करने के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। निर्वाचन आयोग को 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में लगी माइक्रो कंट्रोलर चिप में छेड़छाड़ या हेरफेर संबंधी सत्यापन के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के उम्मीदवारों से 8 आवेदन मिले हैं। ईवीएम में छेड़छाड़ के संदेह को निराधार करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल को मतपत्र से मतदान कराने की पुरानी प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा था कि उम्मीदवार चाहे तो चुनाव परिणाम घोषित होने के 7 दिन के भीतर परिणाम की दोबारा जांच की मांग कर सकता है और ऐसी स्थिति में माइक्रो कंट्रोलर की मेमोरी को जांच इंजीनियर की ओर से जांच की जाएगी। अदालत ने इनके साथ ही ये भी साफ कर दिया था कि इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। अदालत ने कहा था कि चुनाव परिणाम में गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में उम्मीदवार को सारा खर्च वापस दे दिया जाएगा। आपको बता दें कि करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव जीते थे तो वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव जीता था। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट की।
छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों की ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की शिकायत को चुनाव आयोग ने मंजूर कर लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग को पत्र भेजा था, जिसे चुनाव आयोग ने मंजूर करते हुए पुनर्गणना का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों के ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंका को लेकर चुनाव आयोग को जांच के लिए पत्र भेजा था। अब गड़बड़ी की आशंका वाले 4 मतदान केंद्र बलोद, गुंडदेही, सिहावा में दोबारा मतगणना होगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस उम्मीदवार बीरेश ठाकुर की याचिका की मंजूर कर ली है। 2024 के नतीजों में कांकेर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार भोजराज नाग ने कांटे की टक्कर में कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को 1884 वोटों से मात दी है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस केवल एक कोरबा लोकसभा सीट ही जीत पाई है। इन तीनों लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ईवीएम की जांच में आगे क्या निकल कर आता है। अब तीनों भाजपा सांसदों की किस्मत ईवीएम की जांच पर ही निर्भर कर रही है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।